हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉप टू क्रिकेट में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कल 26 नवंबर 2023 की वो तारीख थी जहां पर IPL 2024 को लेकर सभी टीमों ने, IPL की सभी 10 टीमों ने वो प्लेयर लिस्ट जारी कर दी है जिनमें रिलीज और रिटेन प्लेयर का नाम है। जहां दोस्तों सभी टीमों ने रिलीज प्लेयर्स और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों आप सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस के हवाले से। गुजरात टाइटंस की टीम ने अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को जाने दिया है। अब वो मुंबई इंडियंस से खेलने वाले हैं। और इनके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस ने 8 प्लेयर को रिलीज कर दिया है जिसमें यश दयाल, के एस भरत, शिवम मावी, यूरिल पटेल, प्रदीप सागवान, ओरियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ और दशुन शनाका मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 18 प्लेयर को रिटेन किया है जिसमें डेविड मिलर, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, वृद्धिमान शाह, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर, शाही सुदर्शन, दर्शन नालकंदे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवातिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, शाही किशोर, राशिद खान, जोशुआ लिटिल और मोहित शर्मा अभी तक मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों गुजरात टाइटंस के पास अभी अगर पर्स की बात की जाए तो इनके पास अभी 28.85 करोड़ रुपए अभी मौजूद हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की ओर से। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस ने इस साल बहुत से प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। टोटल 11 प्लेयर उन्होंने रिलीज किया है जिसमें अरशद खान है, रमनदीप सिंह, ऋतिक रोशन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर, जस्टिन स्टेप्स, ड्वेन जेनसन, जय रिचर्डसन, रैली मेडरिथ, क्रिस जॉर्डन और संदीप वायर भी हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 17 प्लेयर को रिटेन किया है जिसमें रोहित शर्मा, डेविड ब्रेविश, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टीम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरून ग्रीन, शेम्स मुलानी, नेहाल बथेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मधवाल, जेसन बेंडरहोफ और रेम्यूस सेफर्ड है। इनके अलावा दोस्तों इसकी टीम में आ चुके हैं हार्दिक पांड्या, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के हवाले से। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस साल 9 प्लेयर को रिलीज किया है जिसमें जो रूट, जॉसन हेल्डर, आकाश विवस्त, कुलदीप यादव, ओबे मैकॉय, उसके बाद मुरुगन अश्विन, के सी करियप्पा, के एम आसिफ और अंदुल बशीत हैं। इन्होंने अब तक 17 प्लेयर को रिटेन किया है जिसमें संजू सैमसंग, जॉस बटलर, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनन फेरारिया, कुणाल राठौर, रवि अश्विन, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोट, युजवेंद्र चहल, एडम जंपा और आवेश खान को ट्रेड करके इसमें लाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सनराइज हैदराबाद के बारे में। सनराइज हैदराबाद ने अब तक 6 प्लेयर को रिलीज किया है जिसमें हैरी ब्रुक, समरथ व्यास, कार्तिक त्यागी, विभ्रांत शर्मा, अकील हुसैन, आदिल रशीद, ये 6 प्लेयर हैं जिन्हें अब रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 19 प्लेयर को रिटेन किया है जिसमें अब्दुल शमद, एडम माकरंग, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फ्लिप्स, हेनरी क्लासन, मयंक अग्रवाल, अलमोनप्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, शहबाज अहमद, अभिषेक शर्मा, मार्को जेनसन, वशीकरण सुंदर, शनवीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टीनट राजन, मयंक मरकंडे, उमरान मलिक और फजल फारूकी। इसके अलावा दोस्तों सनराइज हैदराबाद की अभी पर्स की बात की जाए तो 34 करोड़ उनके पर्स में है, यानी कि बहुत बड़ा पैसा है और वो दाम लगा सकते हैं आईपीएल ऑक्शन में, बड़े बड़े खिलाड़ियों को और भी खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करते हैं सीएसके की ओर से। सीएसके की टीम ने इस साल 8 प्लेयर को रिलीज कर दिया है जिसमें बेन स्टोक्स, डिवेन पिचोरियस, मेघाट वर्मा, एस सनापति, अंबाती रायटू, कायली जेमिसन, आकाश सिंह, ये 8 प्लेयर हैं जिन्हें वो रिलीज कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों 18 प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, डिवेन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, शिवम दुबे, आर हंगरकर, मिचेल शेटनर, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मथिसा पसीराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, एम तीक्षणा, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, निशांत संधू और अजय मंडल। इन सबके अलावा दोस्तों अगर सीएसके की बात की जाए तो सीएसके के पास अभी अगर पर्स है तो 31.40 करोड़ रुपया अभी तो इनके पास है और ये भी बड़ा दांव खेल सकते हैं ऑक्शन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस साल 8 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है जिसमें जगदीप उनादकर, डेनियल सेम्स, मनन वोहरा, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा,
अर्पित गुरेलिया, श्रेयांस देसेस और करुण नायर। इसके अलावा दोस्तों इस टीम ने 18 प्लेयर को रिटेन किया है, जिसमें केएल राहुल, क्वेंटन डीकॉक, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, कायल मेयर्स, मार्कस स्टोनिस, दीपक हुड्डा, देवदत्त पर्रिकल, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, कुणाल पांड्या, युधवीर सिंह, प्रेरक मरकंड, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, मार्क वुड, मयंक यादव और मोहसिन खान है। इन सब के अलावा अगर पर्स रेट की बात की जाए दोस्तों, तो इसके पास पर्स है अभी 13.90 करोड़ की। हालांकि इनकी टीम भी अभी बैलेंस दिख रही है, इनको अब प्लेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आरसीबी की ओर से। आरसीबी की टीम ने इस साल 11 प्लेयर्स को रिलीज कर दिए हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, जिसमें वानंदु हसरंगा है, हर्षद पटेल, जॉस हेजलवुड, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविड वेली, वार्नर पैनल, वेन पार्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ गोल और केदार जाधव हैं। इन्होंने अब तक 18 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें फैफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, श्रेयांश प्रभुदेसाई, विल जैक, महिपाल लोमरोड, कर्ण शर्मा, मनोज बांडेस और मयंक डागर, विशक विजय कुमार, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रेस चोपली, हिमांशु शर्मा और राजन कुमार हैं। अगर इनके पर्स रेट की बात की जाए दोस्तों, तो इनके पास अभी पर्स है 23.25 करोड़। और इनके पास दोस्तों ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैमरून ग्रीन को इन्होंने ट्रेड कर लिया है, और अब कैमरून ग्रीन भी आरसीबी की ओर से खेलते हुए देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के हवाले से। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस साल 10 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है, जिसमें रैली रोशो, चेतन शकारिया, रोमन पावेल, मनीष पांडे, फील्ड शॉट, मुस्तफिजुर रहमान, कमलेश नागरकोटी, रिपल पटेल, सरफराज खान और प्रयाम गर्ग है। इसके अलावा दोस्तों 16 प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। 16 प्लेयर्स में से ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक कोरल, अक्षर पटेल, ललित यादव, मिजेल माश, यश दूल, प्रवीण दुबे, विकी ओसवाल, एनरिक नोकिया, कुलदीप यादव, लुंगी एंगड़ी, खलील अहमद और मुकेश कुमार है। इसके अलावा अगर पर्स की बात की जाए दोस्तों, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी 28.95 करोड़ लगभग में 29 करोड़ है, और ये भी दांव खेल सकते हैं आईपीएल में, इनका भी बड़ा ऑक्शन में इनका भी बड़ा रोल रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं केकेआर के हवाले से। केकेआर की टीम ने इस साल 12 प्लेयर को रिलीज कर दिया है, जहां दोस्तों बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें शकीब अल हसन, लिटन दास, आर्या देसाई, डेविन वेजे, नारायण जगदीशन, मनदीप सिंह, कुलवंत खिजोरिया, शार्दुल ठाकुर, रॉकी फर्गुसन, उमेश यादव, टीम सऊदी और जैसन चार्लिस भी हैं। इसके अलावा मात्र 13 प्लेयर को उन्होंने रिटेन किया है, जिसमें है नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रहमानुल्ला गुरबाज, शरेश अय्यर, जॉनसन रॉय, सुनील नरेन, सूर्या शर्मा, अनुकूल रॉय, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, विभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती भी हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके पास की बात की जाए तो 32.07 करोड़ रुपये इनके पास हैं, और ये भी ऑक्शन में धमाल मचाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं पंजाब किंग्स के हवाले से। पंजाब किंग्स की टीम ने 5 प्लेयर्स को रिलीज किया है, जिसमें भोंका राजपक्षा, मोहित राठे, ब्लेज ढांडा, राज अंगद बाबा और शाहरुख खान है। इसके अलावा इन्होंने 19 प्लेयर को रिटेन किया है, जिसमें शिखर धवन, जॉनी बैरस्टो, जितेश शर्मा, प्रभा सिमरन सिंह, मैथ्यू शॉट, हरमनप्रीत भाड़िया, अथर्वा टाइट, ऋषि धवन, शेम करन, सिकंदर रजा, लियाम लिविस्टन, गुनर सिंह ब्रा, शिवम सिंह, राहुल चाहर, अर्षदीप सिंह, हरप्रीत ब्रार, विधवत केवरप्पा, किगासो रबादा और नाथन एलिस हैं। इनके बाद अगर पर्स की बात की जाए दोस्तों, तो पंजाब किंग्स के पास अभी 29.10 करोड़ रुपया मौजूद है। तो ये हुए दोस्तों 10 टीमों के सभी प्लेयर्स जो रिलीज हो चुके हैं और जो रिटर्न हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।